एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप डीसी 12 वोल्ट्स वाला बेसटोन सर्किट इस्तेमाल करते हैं जिसमें दो छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तो आप इस बेसटोन सर्किट की पावर को और इस सर्किट की बेस पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सर्किट की एक ऐसी मॉडिफिकेशन बताऊंगी जिसको करने से आपके एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी भी इंक्रीज होगी और साउंड की बेस भी बूस्ट होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये बता दूं कि हम जो नॉर्मल डीसी 12 वोल्ट्स वाला बेसटोन सर्किट यूज करते हैं, इस सर्किट में C945 के दो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं और 104 कैपेसिटर्स लगे होते हैं। लेकिन अगर आप इस बेस टोन की साउंड क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप C945 ट्रांजिस्टर को निकाल के C945 ट्रांजिस्टर की जगह C1383 ट्रांजिस्टर को इस बेस टोन सर्किट में लगाएं, क्योंकि C1383 ट्रांजिस्टर ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू C945। तो अगर आपके बेस टोन सर्किट में भी C945 या C1815 ट्रांजिस्टर लगा है तो इस ट्रांजिस्टर की जगह आप C1383 ट्रांजिस्टर लगाएं। इसके अलावा इस बेस टोन सर्किट में जो छोटे 104 वैल्यू के कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इनकी जगह अगर आप ये वाले 2A104J कैपेसिटर्स को अटैच करते हैं तो आपको साउंड ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने बेस टोन सर्किट को अपग्रेड कर सकते हैं और साउंड क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।